चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते। तो जीव जनन कैसे करते हैं, इसके अंतर्गत जो है बेसिकली आप जो है अगर बात की जाए तो जनन की जो है विधियां जो होती है वो दो होती है, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। अलैंगिक ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बायसेक्सुअल, और इसको एसेक्सुअल ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन के पहले जो है एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि लैंगिक जनन में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है और अलैंगिक वाले में समसूत्री विभाजन होता है ठीक है ना। अर्धसूत्री को बोलते हैं माइटोसिस, ये मियोसिस, और इसको बोलते हैं माइटोसिस ठीक ना। अगर नहीं याद होता तो एक तरीका बता रहे हैं हम लोगों के अंदर जो है कौन सा विभाजन पाया जाता है, तो अर्धसूत्री ठीक। और यहाँ पे मी वर्ड एक दिख रहा है आपको, मी का मतलब क्या आता है, उसमें या हमारे अंदर। तो मियोसिस जो होता है वो हम लोगों के अंदर पाया जाता है और माइटोसिस जो है वो अलैंगिक ठीक ना। अब इसका मतलब लैंगिक जनन जो है वो किसके बीच पाया जाता है, स्पेशली जंतुओं में। लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, स्पेशली जंतुओं में। और अलैंगिक जनन जो है जंतुओं को छोड़ करके बाकी सब में क्या पाया जाता है, तो अलैंगिक जनन ठीक ना। इतना समझ आया। अच्छा ये आपको पता है किसी किसी को भी अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन क्या होता है। हाँ बताओ। अर्धसूत्री में नर और मादा का आधा आधा जाता है, मतलब क्या गैमेट होता है, गुणसूत्र जाता है आधा आधा। हाँ ठीक। स्पर्म और समसूत्री स्पर्म नहीं, गुणसूत्र क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हाँ। और समसूत्री में पूरा जाता है, मतलब एक ही का दोनों रहता है। देखिए एक ही रहता है उसमें दोनों पाए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे दुनिया में जितने जीव हैं, सब में जो है गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग है और गुणसूत्र की संख्या ही जो है किसी भी जीव के शरीर का आकार निश्चित करता है। मतलब हमारे शरीर में जो गुणसूत्र हैं वही हमारे शरीर का आकार निर्धारित करते हैं ठीक है ना। अगर बात की जाए हमारे शरीर में कुल गुणसूत्र कितने हैं, तो 46 ठीक है ना। कुल गुणसूत्र कितने हैं, 46। और अगर जोड़ी की बात की जाए तो एक जोड़ी कितना होता है, दो। तो 46 में दो से भाग दें कितना बन जाएगा, 23 ठीक है ना। वैसे ही जो है अगर बात की जाए कि घोड़े और गधे में 62 और 64 का जो है रेशियो पाया जाता है गुणसूत्र जो होते हैं ठीक है ना। तो हर जीव में जो है अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमारे अंदर अगर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं या जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी। इसका मतलब अभी हमने बताया आपको कि किसी भी जीव का जो शारीरिक संरचना है, जो उसका शरीर आपको दिखाई देता है, उसका डिजाइन किसके आधार पर फिक्स होता है, तो गुणसूत्र के आधार पर। इसका मतलब अगर गुणसूत्र जो है कम ज्यादा हो जाए तो क्या शरीर का डिजाइन बदल सकता है, हाँ। अगर मान लीजिए किसी के शारीरिक विकास के दौरान उसके गुणसूत्र में कुछ फॉल्ट आ गया तो
तो आप देखेंगे किसी किसी का गर्दन जैसे लगता है, ये बीच में जो आपको गर्दन दिखाई दे रहा है ये गर्दन नहीं होता, खोपड़ी डायट जो है यहीं पे रखा हुआ होता है, देखते होंगे किसी किसी, ठीक है ना। और जो है आप लोग देखते होंगे किसी का पैर एक छोटा हो जाता है, एक पैर बड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके 46 गुणसूत्र में से कोई ना कोई गुणसूत्र क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इस केस में क्या होगा, जैसे ही कोई गुणसूत्र डिस्टर्ब होगा तुरंत सारी संरचना में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, मतलब उस व्यक्ति का शरीर जो है सामान्य नहीं रह जाएगा। बस समझ गए? तो सभी जीवों के जो संतान होते हैं वो उनके जैसे ही दिखते हैं, मतलब कोई भी जीव अपने संतान को जन्म देता है तो उसका संतान आप देखेंगे जनरली जो है अपने पूर्वज के जैसा ही दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी जीवों के गुणसूत्र क्या है, निश्चित हैं, और कई जीवों के गुणसूत्र आपस में एक दूसरे में जो है एक दूसरे से संख्या के आधार पर समान नहीं हो सकते। मतलब अगर मनुष्य में 46 है तो किसी और में 46 नहीं हो सकता। बस समझ गई? कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ते होंगे कि जो है जो हमारे चिंपैंजी हो गए, गोरिल्ला हो गए, गिब्बन हो गए, सब हमारे पूर्वज होते हैं। इनसे हमारा म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप, म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन, सुने ना? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, तो इनमें क्या हुआ, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हुआ। अगर डायरेक्टली इन्हीं से जो पैदा हुए होते ना तो आज के डेट में जो है बंदर प्रजाति, बानर, बंदर नहीं बानर, बंदर और बानर दो चीज है। बंदर का मतलब जो छोटा वाला लाल वाला जो घूमता नहीं स्टेशन वगैरह पे, मंदिर मंदिर वगैरह के आसपास लड्डू खाने चक्कर में, वो बंदर है। और जो बड़े वाले होते हैं वो होते हैं वानर, ठीक ना। छोटे वाले को मंकी बोलते हैं, बड़े वाले को एप बोलते हैं, एपीई एप्स, ठीक ना। हाँ ठीक ना, तो वो वानर होते हैं। तो हम लोग बंदर के वंशज नहीं है, हम लोग किसके वंशज है, तो वानर के, ठीक ना। तो उनमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ म्यूटेशन आया। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे वो जो है काफी हद तक सीधा होकर चल सकते हैं, जो वानर होते हैं वो काफी हद तक सीधा होकर चल सकते हैं। तो उनमें जो है शारीरिक संरचना के निर्माण के समय उनके जीन्स में कुछ म्यूटेशन आ गया, चेंजिंग आ गया, ठीक ना। अब जीन्स में जब चेंजिंग आ जाएगा तो सीधी सीधी बात है, अभी हमने आपको बताया कि कोई व्यक्ति का संतान जो है अगर ऐसा पैदा होता है कि उसका गर्दन का ये वाला हिस्सा जो गायब है, डायरेक्ट उसका गर्दन जो इसके कंधे पर रखा हुआ है, आप देखते होंगे किसी किसी गर्दन बहुत छोटा होता है, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो विकास वाला जो जीन्स था ना वो क्या हो गया, थोड़ा सा डैमेज हो गया, डिस्टर्ब हो गया, दुष्प्रभावित हो गया, जिसके चलते ये गर्दन की लंबाई नहीं हुई, ठीक ना। तो ऐसे में जो है जो वानर थे उनके शरीर में जब संतान का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम क्या हुआ, उनमें कुछ जीन्स के स्तर पर परिवर्तन आ गया, कुछ बदलाव आ गया, चेंजिंग आ गया, तो परिणाम स्वरूप मानव की उत्पत्ति हुई। बस समझे? तो इसका मतलब जो है ये नॉर्मल घटना नहीं थी, एकाएक चेंजिंग आ गई जिसके चलते क्या हुआ, मानव की उत्पत्ति हो गई। फिर बाद में जो है विकास वगैरह, मानव विकास वगैरह 12 में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना, बढ़िया से। तो मानव विकास के बारे में हो गया। हाँ, हम लोग जो है 99% कितना 99% जो है बानरों से समानता रखते हैं लक्षणों के आधार पर। 99% जो बानरों से समानता रखते हैं, इसका मतलब जो है 1% में क्या हो जाएगा, बहुत कुछ अंतर आ जाएगा। और यहाँ पे जितने लड़की और मतलब लड़कियां और लड़के बैठे हैं, हर किसी के पास जो हाथ पैर नाखून कान, ठीक ना, किसी के पास जो कान पल्लव वगैरह बहुत बड़े बड़े हाथी जैसा, तो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, नाखून बड़े बड़े होते, नाखून जो है वो चुड़ैल टाइप का हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी लोग जो है हमारी समानता बानर से कितनी है, तो 99%। और यहाँ पर जितने लड़के और लड़कियां बैठे हैं वो एक दूसरे से कितना परसेंट समान है, तो 99.99%। इतना परसेंट जो हर कोई एक दूसरे से क्या है, समान है, ठीक ना, 0.01% क्या है, एक दूसरे से अलग है, ठीक ना। अब उसमें जो है हमारा आ जाएगा फिंगरप्रिंट वगैरह, डीएनए सैंपल वगैरह, ठीक ना, बस समझे। तो मतलब जो बायोमेट्रिक वाली चीजें होती हैं जिसके आधार पर जो है किसी के
शरीर का जो है लक्षण पहचाना जा सकता है कि ये फला व्यक्ति के शरीर का ही पार्ट है, दूसरे व्यक्ति के शरीर का पार्ट नहीं है। तो यही 0.01% जो है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी व्यक्ति के पहचान में दुर्घटना के दौरान। उदाहरण के तौर पर जो हम लोगों ने कश्मीर वाला घटना था, है ना, तो बम विस्फोट वगैरह जब होते हैं या कहीं पर मान लीजिए बड़े पैमाने पर कोई विस्फोट हो गया तो आप देखेंगे हाथ वहां पड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर जो है कोई बस जा रही थी, ठीक ना, कोई बस जा रही थी, उस बस में जो है ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट होने के बाद किसी का हाथ वहां पड़ा हुआ, पैर वहां पड़ा हुआ है, खोपड़ी अलग पड़ी है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए इस केस में जो कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनके शरीर का पार्ट पार्ट जो इधर उधर पड़ा हुआ, तो एक मामला आता है कि यार सबका जो है मांस हड्डी तो वही है, तो मामला आता है कि एक किसी एक पर्टिकुलर शरीर का हर पार्ट इकट्ठा कैसे किया जाए, किसी एक व्यक्ति के शरीर के सभी पार्ट उसी के हो और उसको इकट्ठा कैसे किया जाए। तो इसमें जो है हमारा बायोमेट्रिक प्रोसेस जो प्रणाली है वो काफी हद तक, मतलब डीएनए के अंदर जो होते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक ना, तो डीएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है और इसके माध्यम से जो है किसी व्यक्ति के शरीर के मांस के टुकड़े अगर इधर उधर पड़े हुए हो तब भी बताया जा सकता है कि ये उस व्यक्ति के शरीर का सैंपल है या नहीं है, ये मांस उस व्यक्ति के शरीर का है या नहीं है, ठीक है ना। बस समझे, अब मान लीजिए आप लोग सोचेंगे कि ठीक है, मान लीजिए उस व्यक्ति के शरीर का मांस इकट्ठा कर लिया गया, हाथ पैर जो इकट्ठा इधर उधर पड़ा हुआ था उसको इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन अब बात की जाती है कि उस लाश को उसके घर वालों को कैसे सौंपा जाए, कैसे पहुंचाया जाए, है ना बात सोचने वाली। हड्डी मांस तो इकट्ठा कर लिया गया लेकिन उस लाश को उसके घर वालों को कैसे सौंपा जाए। अरे यार कम से कम इतना तो पता होगा उसके घर वालों को कि उनका चुन्नू मुन्नू चिंकी पिंकी कहाँ गया है, इतना तो पता होगा ना, घर घर वालों को बोल के जाएंगे ना, ठीक ना। अब ऐसा थोड़ी चोरी करने जा रहे थे, बस नहीं, तो मान लीजिए वो बताए कि जो है कहीं वो जा रहे थे। अब आज के डेट में डिजिटल इंडिया वाला प्रोग्रामिंग है, ये जानते हो आप लोग, मोदी देन है सर, ठीक ना, डिजिटल इंडिया है ना, एक्सप्लेन कर दे, मतलब आप जो है हर तरीके से जो है डिजिटलीकरण पर निर्भर हो जाइए, किसी भी प्रकार का जो आपको सुविधा है उसके लिए आप पारंपरिक साधनों पर जो है कम से कम निर्भर रहिए। जैसे पेपर पढ़ने के लिए जो है आप मोबाइल या फिर टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल करिए, मनी ट्रांसफर के लिए जो है आप जो है विभिन्न प्रकार के जो है माध्यम है वहां से आप जो है पैसे जो है, ऐसे में क्या हो सकता है आपके सिक्योरिटी के लिए अच्छा होगा कि आपका पैसा जो है वो गिरेगा नहीं, फटेगा नहीं, गलेगा नहीं, चोरी नहीं होगा, है ना, पास से, ठीक। तो बहुत सारे तरीके हैं जो डिजिटल इंडिया के जो है एक तरीके से देखा जाए तो बढ़िया भी है। प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, नहीं प्रचार नहीं कर रहे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है अब एक मामला आता है कि बस जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जो हड्डी मांस इकट्ठा कर लिया गया हर एक व्यक्ति का, तो उनके घर वालों को जो पता था, तो डिजिटल इंडिया क्या कहता है। अभी हमने आपको बताया कि जो है डिजिटल इंडिया के कारण जो है आज के डेट में किसी के पास मान लीजिए पेपर पढ़ने का समय नहीं है तो पेपर लेकर इसी से घूमेगा, नहीं ना, तो वो मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से जो है जो भी है सुविधा अपनी, ठीक ना, उसके माध्यम से वो पढ़ सकता है। तो पता लगा सुबह सुबह जो मान लीजिए कोई पेपर पढ़ने वाला था या फिर मान लीजिए मोबाइल यूज करने वाला था, न्यूज आया कि फला जगह जो है एक बस ब्लास्ट कर गई, तब उसने जो है सोचा कि हमारा लड़का या हमारी लड़की भी तो वहीं गई थी, ठीक। अब उसके बाद उसका दिमाग खराब हो जाएगा, धीरे धीरे पता लगेगा, तो पता लगने के बाद ये लोग जो है खोजबीन करना शुरू करेंगे कि हमारा जो है लड़का ये गया है, बस नंबर इतना। अब देहात वाला सिस्टम वो थोड़ा सा अलग है, शहर में क्या होता बस नंबर होती है, इतने नंबर बस से गया, कौन से नंबर की बस ब्लास्ट हुई है ना, शहर का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। तो उस केस में क्या होगा कि जिसके मतलब जो गार्जियन था वो धीरे धीरे जो इधर उधर से जो है जांचना परखना शुरू किया, जानकारी लेना शुरू किया, तो पता लगा उसका लड़का या लड़की जो था जो जा रहा था, ठीक, वो भी क्या हो गया उसी में मारा गया। अब देखिए उस गार्जियन को बुलाया जाएगा, उस गार्जियन को
बुलाया जाएगा, फिर गार्जियन का जो है डीएनए सैंपल लिया जाएगा, मतलब उसका ब्लड वगैरह लिया जाएगा या कुछ भी, बाल का भी सैंपल लिया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है उसमें पहचाना जाएगा कि जो लाश है अभी के टाइम में यहाँ पर वो गार्जियन से मैच कर रही है नहीं मैच कर रही। अगर उसकी संतान होगी किसी भी तरह से रिलेशन में होगी तो उसकी मैच कर जाएगी। जैसे मान लीजिए आप सोचेंगे कि किसी के जो है, मान लीजिए कोई नहीं उसकी बुआ है, अरे गधा, मान लीजिए वो अपने माँ बाप का संतान है तो उसकी बुआ जो उसके पापा बहन ठीक नहीं थी है ना, तो उसकी बुआ से कुछ ना कुछ परसेंट मैच करेगा ना। किसी की मौसी तो मौसी से मैच नहीं करेगा, उसकी मम्मी की बहन है ठीक है ना, नाना से भी मैच कर जाएगा। घुमा फिरा के हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है जो व्यक्ति मरा हुआ है उसके माँ बाप ही वहां तक पहुंचे। उसका लड़का जाएगा, उसका बेटा बेटी जाएगा, उनसे भी मैच कर जाएगा, उसके माँ बाप जाएंगे तभी क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लाश को पहचानने के लिए एकमात्र यूनिट माता पिता ही नहीं बल्कि घर के अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, उसके चाचा हो गए ठीक है, फुफ्फा पे नहीं अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए चुन्नू है तो फुफ्फा पे नहीं अप्लाई होगा, क्यों, फुफ्फा दूसरे घर लाज छुए थे है ना, हुआ का वहां ट्रांसफर हुआ था क्या, वैसा नहीं रिफर कर दिया गया था उनको, ऐसे है ना। ठीक, तो बात समझ आई। तो यहाँ पे जो है अब मामला आता है अर्धसूत्री। अच्छा, हमने अभी पढ़ा कि जो है गुणसूत्र जो सभी व्यक्तियों में क्या होते हैं, सभी जीवों में क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इतना क्लियर है, सभी जीवों में अगर गुणसूत्र निश्चित होते हैं तो इसका मतलब उनके शरीर का जो डिजाइन होता है, संरचना होता है, वो गुणसूत्र के आधार पर ही निर्धारित होता है। इतना क्लियर है। तो एक चीज बताइए, अगर आपसे बोला जाए कि दो व्यक्ति जो है दो दो किलो चीनी लेके आते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति जो है दो दो किलो चीनी खरीद के लेके आते हैं और उनसे बोला जाता है कि आप लोग कुछ ऐसा करिए कि एक बर्तन में जो है दोनों लोग को चीनी डालना है, लेकिन इतना डालिएगा कि दो किलो ही इस बर्तन में है, उससे ज्यादा ना आए। उसमें क्या होगा, एक किलो एक लोग डालेंगे, एक किलो एक लोग, ठीक ना, तभी बर्तन में क्या होगा, दो किलो। इसी तरह जो है मनुष्य में, अगर मनुष्य का एग्जांपल हम लें तो मनुष्य बोलता है कि कोई भी मनुष्य का जो संतान है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। अगर 46 के बजाय 146 हुआ तब वो इंसान के बजाय क्या हो जाएगा, शैतान, ठीक है ना, राक्षस, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हे मक्खी उतरना शुरू हो गए। तो यहाँ पे जो है इतना तो कन्फर्म हो गया कि गुणसूत्र जो है क्या होते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। फिर बात करते हैं कि यार हमारे अंदर गुणसूत्र फिर 46 कैसे होता है। मान लीजिए माता और पिता के जो है शारीरिक संबंध के पश्चात जो है संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक, तो 46 गुणसूत्र माता का, 46 गुणसूत्र पिता का, 46 दोनों कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और होना चाहिए कितना, 46, लेकिन अगर इधर 92 हो रहा है तो इंसान होगा शैतान, राक्षस, हाँ राक्षस होगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कौन सा सिस्टम लगा, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री बोला गया ऐसा है, पिता महाराज आप जो 50% आपसे लिया जाएगा और माता जी से बोला गया आपसे भी 50% लिया जाएगा। तो क्या सोचोगे यार, हे कि मतलब जो है, मतलब बढ़िया से ब्लेड उलेड लेके 23-23 गुणसूत्र काटा जाता है, ऐसा नहीं है, जिंदगी मत बोलना, दौड़ा के मारेगा जो जिसको बताओगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो अब आप सोचेंगे कि यार जो है गुणसूत्र जो होते हैं ये तो पूरे के पूरे जाते होंगे, जहां जाते होंगे उसमें कुछ लक्षण होता है, प्रभाविता और अप्रभाविता। प्रभाविता का मतलब क्या होता है, अप्रभाविता का मतलब, प्रभावी का मतलब हो गया, मान लीजिए एक छु मोटू एक छु पतलू है ना, मोटू ने पतलू को मारा एक थप्पड़, पतलू जमीन पकड़ लिया,
ठीक ना। तो यहाँ पे प्रभावी कौन हुआ? मोटू। वैसे ही जो है मान लीजिए कहीं पर गाढ़ा रंग है उसमें आप हल्का रंग डालेंगे तो प्रभावी कौन होगा? गाढ़ा रंग, ठीक ना। और जो है एक केस में हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको मिटा दे ना, कोई जरूरत नहीं है मिटाने वाला, कहाँ गया मिटाने वाला? लिखेंगे नहीं। अरे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर जो है बात करते हैं कि असूत्री और समसूत्री के दौरान जो संतान का निर्माण कैसे होगा। देखिए आप जो है मान लीजिए कोई लैंगिक जनन है तो उसमें जो है नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, इतना पता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिए हैं? मानव। अब आज के डेट में मानव दानव हो गया, अलग मामला नहीं हो गया। अच्छा दिनेश बहुत ज्यादा टैलेंट दिखा रहे हैं, क्या बात है, ठीक है ना। तो नर और मादा, इसमें भी गुणसूत्र कितने होंगे? तो 46। और इसमें भी कितने होंगे? तो 46। अगर बात की जाए तो ये गुणसूत्र जो जोड़े में होंगे तो 23 बनेंगे, जोड़ी की बात की जाए तो 23 जोड़ी, इसमें भी 23 जोड़ी, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब 23 जोड़ी होने के बाद जो है फिर मामला फंसता है कि जब इनमें जनन होता है तो गुणसूत्र फिर भी 46 ही क्यों रह जाते हैं। अभी हमने आपको बताया प्रभाविता का नियम, जो चीज अपना लक्षण प्रकट करने में सक्षम हो जाती है उसको हम बोलेंगे प्रभावी, और जो चीज अपना लक्षण प्रकट करने में सक्षम ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अप्रभावी, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है नर के द्वारा जो है शुक्राणु और मादा के द्वारा अंडा, ठीक ना। इसको इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं और इसको ओवियम, ठीक ना। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, निषेचन वगैरह संपन्न होता है, वो आगे बताएंगे। इसके बाद जो है इनके गुणसूत्र जो होते हैं, अब देखिए मान लीजिए ये व्यक्ति है नर, ठीक ना, ये नर है तो मान लीजिए ये व्यक्ति है तो लंबाई उंबाई वाला गुणसूत्र होगा कि नहीं होगा? मादा जिसमें लंबाई वाला गुणसूत्र होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अच्छा इसके बाद बात करते हैं लंबाई के बाद गोरा या काला होना, इसका लक्षण इसमें होगा नर में नहीं होगा? होगा सर। मादा में मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, नर जो है ये गोरा है और जो मादा है वो उसका रंग जो है काला या सांवला है। बात समझाएगी? समझाएगी है ना। एक चीज बताइए, अब ऐसा तो है नहीं कि मुंह के एक तरफ मूवी वाले स्टाइल बताइएगा, इधर जो है सफेद और इधर काला, एशिया पेंट का प्रचार आ रहा है, बॉडी व्हाइटनर लगाओ। ठीक है ना, ऐड दे, प्रचार आ रहा है, है? क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र इसका, 46 गुणसूत्र इसका। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें जो है आज सूत्री विभाजन होता है, आज सूत्री विभाजन क्या होता है कि गुणसूत्र आधे आधे बट जाते हैं। जब गुणसूत्र आधे आधे बट जाते हैं तब जो है, अब देखिए 23 जोड़ी था ना, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, ये मान लीजिए 23 जोड़ी है। अभी एक जोड़ी हो गया, एक जोड़ी हो गया, एक जोड़ी हो गया, ऐसे ऐसे कितना जोड़ी है? तो 23। इसमें से एक काम किया, ये वाला इतना जो है भाग ले लिया निर्माण में,
ये प्रभावी हो गया। वैसे ही जो है इधर भी ले लेगा, मान लीजिए जी एस तक हुआ था आई नहीं नहीं ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए ये वाला प्रभावी हो गया, ये दोनों मिलेगा कितना होगा, 23 इधर से आया 23 इधर से आया कितना हो गया। चल अभी मैं आपको जो केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, परिभाषा में ही जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 23 इधर से आया कितना हो गया 46। इधर से 23 जो बासी रख दिया गया है, इधर से भी 23 बासी रख दिया गया है स्टॉक के रूप में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा आज सूत्री विभाजन में क्या होता है, आधा आधा गुणसूत्र आने के वजह से क्या होता है, जितना पहले था मतलब जितना पूर्वज में था उतने रह जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा उतने रह जाएगा। तो आज सूत्री विभाजन में जो है गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने लगी नहीं पाती, कहां बढ़ जाएगा ठीक है ना। अरे 23 इधर से आया 23 इधर से आया, ये 23 जोड़ी नहीं जा रहा है, 23 गुणसूत्र जा रहा है मतलब बिना जोड़े के। 23 जोड़ी मतलब क्या हो जाएगा, जोड़े के रूप में 23 जोड़ा 23 दूना 46 और ये क्या हो जाएगा बिना जोड़े के रूप में, कुछ इधर से गया कुछ उधर से आया तो क्या हो गया शरीर का निर्माण ठीक है ना। बात सुन जाइए, इसके बाद बात करते हैं लैंगिक जनन तो हो गया। अच्छा इसमें शुक्राणु को जो हम नर युग्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं नर युग्मक ठीक है ना, और अंडाणु को क्या बोलेंगे मादा युग्मक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नर युग्मक मादा युग्मक क्या होता समझ आ गई बात। तो शुक्राणु को नर युग्मक, अंडाणु को मादा युग्मक, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ युग्मक जनन क्या होता है, तो नर के द्वारा नर युग्मक बनाना और मादा के द्वारा मादा युग्मक बनाना क्या कहलाता है, युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है, तो नर के द्वारा नर युग्मक तथा मादा के द्वारा मादा युग्मक का बनना क्या कहलाता है, युग्मक जनन। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि नर में जो है शुक्राणुओं का निर्माण लगभग 13 साल के आसपास बनने शुरू होते हैं। शुक्राणु जो है नर में कितने, मनुष्य में अगर बात की जाए तो लगभग 13 साल में बनना शुरू होते हैं। लेकिन एक चीज गलती से मत बोलिए कि मादाओं में भी जो है या महिलाओं में जो है 13 साल के आसपास जो है शुक्र ये अंडाणु बनना शुरू होते हैं, ऐसा नहीं होता मादाओं में, ऐसा नहीं होता है, नोट करके रख लीजिएगा। इनमें क्या होता है कि जब कोई बच्ची अपने माँ के गर्भ में लगभग 5 से 6 माह की होती है तभी जो है उसके शरीर में अंडाणु का निर्माण हो जाता है, लेकिन वो अंडाणु अपरिपक्व रहते हैं। अंडाणु का निर्माण पहले हो जाता है लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व नहीं रहते हैं, वो 13 साल के दौरान लगभग जो है परिपक्व होते, उसके पहले परिपक्व नहीं होते। इधर तो रेडीमेड होता है, महिलाओं में क्या होता है रेडीमेड होता है मतलब माँ के गर्भाशय में ही अंडाणु बन जाते हैं लेकिन वो विकसित नहीं होते हैं। और नर में क्या होता है शुक्राणु बनते हैं, यहाँ पर क्या होगा बनते हैं, और मादाओं में क्या होता बने रहते हैं लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होते। बात समझ आई, कोई दिक्कत। फिर बात करते हैं कि ये तो हो गया लैंगिक जनन, अब अगला मामला आता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा ये समसूत्री, हाँ अलैंगिक जनन में समसूत्री, लैंगिक में कौन सा अर्धसूत्री, अलैंगिक में समसूत्री। अब समसूत्री विभाजन जो होता है क्या हुआ, तो समसूत्री क्या होता है ध्यान दीजिएगा, समसूत्री को हम डिनोट करते हैं 2n से, किससे 2n, और अर्धसूत्री को हम डिनोट करते हैं n से, n का मतलब होता है आगुणित, 2n का मतलब द्विगुणित ठीक है ना। इसको हैप्लॉइड बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको डिप्लॉइड। n का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता हो, और लैंगिक जनन में कितना, तो
दो जनक की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में केवल एक। जैसे मान लिया आपने जो है बढ़िया एग्जाम्पल बताए, आपके खेत में मान लीजिए एक किनारे पर दूब है, आपने रोटावेटर से जोताई करवा दिया, तो आपने मान लीजिए अपने खेत में दूब बोया है, दूब है ना, आपके खेत में एक किनारे पर दूब है, आप रोटावेटर से जोताई करवा दीजिए, सोच लीजिए आप दूब का विकास कर रहे हैं, मोदी टाइप बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, पूरे खेत में दूब फैलाओ जी जी, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है अलैंगिक जनन में गुणसूत्र जो होते हैं वो 2n होते हैं, मतलब जितना जितना जो है जनक में था उतने किस में जाएगा, संतान में जाएगा। क्यों, मान लीजिए आप जो है एक गन्ना है उसको 5 भाग में काट देते हैं, ठीक ना, तो एक चीज आप लोग देखेंगे कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो मनुष्य में जो है लैंगिक अंग जो है एकमात्र पाया जाता है जहां से शरीर मतलब जनन संभव है, लेकिन गन्ने में अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, गन्ने में अगर बात की जाए तो इसका जो आंख वाला हिसाब किताब होता है वो इसके शरीर में एक जगह पर पाया जाता है, एक कई जगह पर, कई जगह पर। इसका मतलब मान लीजिए एक टुकड़ा इतना बड़ा, एक टुकड़ा इतना बड़ा, एक टुकड़ा इतना बड़ा है, तो हर लक्षण इतने के अंदर, हर लक्षण इतने के अंदर, हर लक्षण इतने के अंदर, मतलब प्रत्येक खंड के अंदर जो है लक्षण जो है समान रूप से विद्यमान होंगे। तो इस दौरान जो है हर जगह गुणसूत्र जो है सेम प्रकार के पाए जाएंगे, अलग अलग सेम प्रकार के पाए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आप गन्ने की बुआई करते हैं तो इसमें जो है जितना गुणसूत्र यहाँ था वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा, और ऐसे में जो है जब ये जमेगा या अंकुरित होगा तो वही क्वालिटी दिखाएगा, दूसरा वही वही क्वालिटी दिखाएगा। मतलब इसमें जो है क्या होता है कि जितना आपने काट के लगाया उसमें एक गन्ना डालते हैं, दो ठेठू प्लस वाला, ठू माइनस वाला, एक ठो नर एक ठो मादा, ऐसा होता है जिंदगी में, कौन खेत नहीं देखा है। अच्छा ईशान पांडे खेत नहीं देखे हो, नेपाल से आए हो, भूटान से आए हैं, नहाते वहाते थे नहीं वहां पे, ठीक ना। खेत क्या होता है, ज्योग्राफी पूछ लेना बढ़िया से, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है अलैंगिक जनन में जनक के द्वारा गुणसूत्र जो है जोड़े के रूप में स्थानांतरित किए जाते हैं, किसमें, संतान, ठीक ना। तो अलैंगिक जनन क्या होता, लैंगिक जनन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन में एकमात्र जनक की आवश्यकता होती है, और लैंगिक जनन में नर तथा मादा या तो विपरीत लिंगी जनकों की आवश्यकता होती है, कोई दिक्कत इसमें। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता, अलैंगिक में समसूत्री, ठीक ना। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि गुणसूत्र जो है आधे आधे नहीं बढ़ते हैं, अलैंगिक जनन में गुणसूत्र आधे आधे बढ़ जाते हैं। अच्छा एक मामला और इसमें आपको मिलेगा कहीं कहीं पर कि टाइम हो गया है, नहीं सर पढ़ाई पढ़ाई साथ में इसको जाना, अच्छा छोड़ साथ में साथ ही किया।